डाक पत्थर व्यापार मंडल द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी साप्ताहिक बंदी के दिन डाक पत्थर जीवनगढ़ में लगने वाले हाट बाजार में नियमों की अनदेखी करने को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी विकास नगर को सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि शनिवार को लगने वाले हाट बाजार में किसी भी प्रकार से कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। वहीं साप्ताहिक बंदी के दिन हाट बाजार में सैकड़ों लोगों के पहुँचने से महामारी का खतरा ज्यादा है। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान से भी इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 6 गांव के केंद्र बिंदु त्यूणी क्षेत्र में थाना पुलिस द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। SI निखिल चौधरी ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज आराकोट में 2 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान राजीव राज द्वारा कार्यक्रम में गांव में कराए जा रहे विकास कार्य के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर पंचायत राज अधिकारी सतवीर रावत, अनूप राणा, प्रदीप राज, काना सिंह रावत, डिम्पल रावत, जितेंद्र चौहान आदि उपस्थित रहे। कोतवाली विकास नगर की चौकी हरबतपुर क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों घर से स्कूल पेपर देने गई लापता नाबालिग लड़की की गुमशुदगी मामले में धारा 363 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया था। महिला उप निरीक्षक लक्ष्मी जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अपहृता को सकुशल अभियुक्त मोहित पुत्र महिपाल निवासी कंडियाल गांव थाना पुरोला के चुंगल से हरपटपुर क्षेत्र से बरामद कर अभियुक्त मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में मुकदमे में धारा 366A, 376 IPC व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंचा। शुक्रवार को उत्तराखंड में 2402 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 17 लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई। आज स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1080 रही। वहीं राज्य में इस समय कुल एक्टिव केसों की संख्या 13546 है। जीवनगढ़ के प्रधानपति और भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोहेल पाशा द्वारा पंडित शब्द को लेकर की गई बयानबाजी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विकेश शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों ने प्रधानपति सोहेल पाशा के खिलाफ हरबतपुर के शहीद चौक पर नारेबाजी व जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना था कि हिंदू विरोधी मानसिकता वाले व्यक्ति को किसी भी संगठन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुतला दहन करने वालों में अमित कपिल, मेघराम शर्मा, अखिल गोयल, नीरज थापा, नीरज रोहिला, जितेंद्र कुमार रिंकू, गिरीश डालाकोटी आदि शामिल थे। देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।